सो नाउ वेलकम बैक स्टूडेंट एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम पूरी तरीके से पढ़ रहे थे सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में। तो सेकेंडरी एक्टिविटी के ऊपर हमने पहले भी इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट्स अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो पार्ट्स देखे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। और उसके बाद ये वीडियो के लास्ट पार्ट में हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी को इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को हम टेलीग्राम पे नोट्स भी शेयर करेंगे, तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, इन सभी के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पहले भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया था। अभी हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के अंदर ट्रेडिशनल बेस इंडस्ट्री कौन सी थी। मतलब ये इंडस्ट्री कुछ ऐसी इंडस्ट्री में से आती थी, अगर आप देखें तो इसे हम पारंपरिक बड़े पैमाने पर उद्योग बोल सकते हैं। मतलब ये ना, जब अर्ली टाइम पीरियड के अंदर कोई भी इंडस्ट्री हो भी ना, कोई भी इंडस्ट्री हो या ना हो, तो अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो इंडिया के अंदर या दूसरी कंट्रियों के अंदर ये एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी जो कई सालों से चलती आ रही थी। मतलब अगर भारत देश को या दूसरी कंट्री को अपना बेस बनाना है तो गन्ने की फैक्ट्री वो बाद में लाएगा, सबसे पहले वो पूरी तरीके से उन फैक्ट्रियों के ऊपर काम करेगा जो, मतलब उन उद्योगों के ऊपर काम करेगा जो उस कंट्री की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके, जिसमें से कोल और मैं कहता हूँ आयरन एंड स्टील वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से आ सकती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी ट्रेडिशनल बेस इंडस्ट्रीज होती है ना, जो बहुत लंबे समय से आ रही है, गांधी के टाइम पीरियड से कॉटन चलता आ रहा है, उससे टाइम पीरियड से पहले कोल इंडस्ट्री के ऊपर कोयला हम लोग निकालते थे वो इंडस्ट्री चलती आ रही है, आयरन ओर निकाला जा रहा है, जैसे आयरन बनाया जाता था वो इंडस्ट्री निकाली जा रही है। क्यों? क्योंकि उन सभी इंडस्ट्रीज से हम लोगों को क्या होता था, हाईली प्रोपोर्शनल एम्प्लॉयमेंट देखने को हम लोगों को मिलता था। मतलब बहुत ही बड़े लेवल पर हमें रोजगार देखने को मिलता था। और क्योंकि ये जो रोजगार है ये उस टाइम पीरियड के अंदर हाईली डेंसिटी ऑफ हाउसिंग यानी कि आवास का जो उच्च घनत्व हमें देखने को मिलता था, बहुत बड़े इलाके के अंदर इसको क्या कहते हैं, इसको प्लांट को लगाया जाता था जिसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। अब क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिलता था, सिंपल सी बात है, ये ट्रेडिशनल बेस था। अर्ली टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थे, इतने ज़्यादा संसाधन ठीक प्रकार से हमारे पास नहीं थे। सो दैट इज़ हमारे पास उस समय पर मैं कह सकता हूँ पुअर सर्विस इंडस्ट्रीज़ की होगी, यह इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा बहुत लो या बहुत इन्फीरियर होगा। मतलब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास नहीं थी, इसलिए हम देखते थे ना पुरानी फिल्मों के अंदर मजदूरों का किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो हमारे ट्रेडिशनल बेस इंडस्ट्रीज थी उसमें टेक्नोलॉजी बहुत शुरुआती समय में लो थी। तो इसीलिए हम इन्हें ट्रेडिशनल बेस इंडस्ट्री तो बोल सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ये सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमें देखने को मिलती थी। जर्मनी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जर्मनी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है जिसे आप वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री बोल सकते हैं, वो है कोल इंडस्ट्री। मतलब जर्मनी के अंदर एक जगह थी जिसे आप रूह बोलते हैं। रूह एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पूरी तरीके से बहुत बड़ा परसेंटेज कोयले का और स्टील और आयरन का पूरी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये ट्रेडिशनल बेस इंडस्ट्री क्यों हो गई? क्योंकि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए स्टील, आयरन और कोल और कॉटन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जर्मनी उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। अगर आपको याद हो तो जब जर्मनी को कैप्चर करा गया था, जब जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हराया गया था, तो जितनी भी अलायंस कंट्री थी ना, उन्होंने जर्मनी के राइनलैंड वाले हिस्से को कैप्चर कर लिया था। क्यों कैप्चर कर लिया था? क्योंकि यही हिस्सा तो सबसे इंपॉर्टेंट था जहाँ पे कोल, स्टील, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा मिलेगी। और इसलिए फिर आपको पता होगा कि डिमांड फॉर द कोल डिक्लाइन सो द इंडस्ट्रीज श्रिंकिंग। कहने का मतलब जैसे जैसे डिमांड जो थी इंडस्ट्रीज़ की वो अगर कम होने लग जाती है तो फिर उसकी कंट्री का खुद भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो गिरने लग जाता है किसी भी कंट्री का। तो रूह उनमें से एक जीता जागता एग्जाम्पल था जो राइनलैंड में ही कन्वर्ट होता था। वहाँ पे 80% लोहा जो था पूरी जर्मनी का वही मिलता था। और देखो यहाँ पे अलायंस कंट्री ने कितना दिमाग खेला, उन्हें पता था कि अगर जर्मनी के इस हिस्से को कैप्चर कर लिया जाएगा तो जर्मनी की पूरी इकोनॉमी हमारे पास आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे करके इन सभी जो बेस इंडस्ट्री कह लो या ट्रेडिशनल बेस इंडस्ट्री कह लो, इन सभी इंडस्ट्रीज़ की वजह से नई इंडस्ट्रियाँ भी निकल के आई बाद में जाके, है ना, जैसे कि कार असेंबली इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई, कितने कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री हो गई, ये सारी इंडस्ट्रियाँ नई निकल के आई बाद में जाके, क्योंकि हमें समझ में आया कि ट्रेडिशनल बेस इंडस्ट्री जो है वो काम तो करेंगी लेकिन हमें और चीज़ों पर भी तो काम करना ही करना है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने देखा
था कि पहले पुअर सर्विस होती थी, इन्फीरियर टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, तो हम लोगों ने उसके अंदर थोड़ा बहुत इन्वेंशन करने की शुरुआत कर दी। अब इन्वेंशन करने की हमने शुरुआत करी तो हम लोगों ने असेंबली लाइन, ऐसी असेंबली लाइन लगानी चालू कर दी। हमने पर्टिकुलर एक ही वर्कर का स्पेशली एक ही काम फिक्स कर दिया कि एक वर्कर का स्पेशली एक काम ही होगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में अच्छा करने की कोशिश करी। तो यहाँ पर अगर हम हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी जो वाली ट्रेडिशनल बेस्ड इंडस्ट्री थी उसमें हमने हाई टेक्नोलॉजी लगाई। हमने पावर सर्विस अच्छी कर दी, हमने नए इन्वेंशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैकेनिज्म अच्छा कर दिया, हमने प्रोफेशनल वर्कर रखने चालू कर दिए, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बनाने चालू कर दी, हमने हाईली स्किल स्पेशलाइज्ड वर्कर को रखना चालू कर दिया, और उसके बाद हमने पूरी की पूरी सिस्टम के अंदर में रोबोटिक बेस पे काम करने के लिए हमने रोबोट का भी इस्तेमाल करने लगे। तो इस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी और मतलब हमारे ट्रेडिशनल बेस्ड इंडस्ट्री थी जब वो टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व हो गई तो वो और अच्छी होती चली गई। तो ये अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल वगैरह हमने करना लगे। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में से एक आती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री सभी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एक बेस इंडस्ट्री का काम करती है और कच्चे माल के रूप में सभी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है ना। तो इसीलिए इसे हम हैवी इंडस्ट्री के नाम से ही पुकारते हैं। तो अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब वो इंडस्ट्री ज़्यादातर जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज होती है वो वहीं होती है जहाँ कोयल मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, कोक अच्छा मिल जाएगा, आयरन अच्छा मिल जाएगा, मैग्नीशियम अच्छा मिल जाएगा, तो वहीं पर हैवी इंडस्ट्रीज हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है और सारी की सारी इंडस्ट्रीज इनके ऊपर ही डिपेंड होती है। That is why traditional based industries कहलाती है। अब traditional based industries का फायदा ये होता है कि वो ports के आसपास होते हैं, वो mini steel industries जो है उनके आसपास near by में located होती है। अब अगर हम पुराने time period के अंदर देखें तो cotton textile industry बहुत important industries में से एक थी, ये traditional based industry थी और इस industries के अंदर हमने technology जोड़ी और धीरे धीरे हम इसे और अच्छा करते चले गए। तो cotton industries का अगर इतिहास देखें तो पहले वो handloom था, यानी कि हाथों से काम होता था, फिर power loom हो गया, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, देन फाइनली हमने इसे मिल सेक्टर बना दिया। तो हमने टेक्नोलॉजी के साथ इसमें छेड़छाड़ करी, टेक्नोलॉजी इसमें ऐड करा और उसके बाद हमने इसको और अच्छा बना दिया। हैंडलूम में क्या होता था, पहले मैन्युअली इंसान काम करता था, उसमें एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत जनरेट हो जाता था और सेमी वर्कर जो थे वो भी इसमें काम कर रहे थे, ज़्यादातर पैसे की जरूरत होती नहीं थी, इसमें महिलाएँ ज़्यादा काम करती थी, इसमें मैन्युअली काम ज़्यादा होता था, इसलिए इसे हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम बोला जाता था कॉटन इंडस्ट्रीज को, है ना। तो यहाँ पे एक ये है। दूसरा, फिर समय के साथ साथ इन्वेंशन हुआ, हमने क्या कहते हैं ये बनाया, इसको स्पिनिंग जेनी के नाम से पुकारा था इस मशीन को, हमने इसमें पावर लूम बनाया। अब यहाँ पे जो इंसान 3-8 घंटे के अंदर काम करता था वो इंसान इस मशीन से बहुत जल्दी से कॉटन को कपड़े में कन्वर्ट या धागे में कन्वर्ट कर दिया करता था। तो इसे मशीन का यूज़ करना इसलिए बता दें ताकि इसमें काफ़ी कम लेबर की ज़रूरत हो और प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो सके, है ना। प्रोडक्शन कम हो और क्या मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो और मैन्युअली काम कम करना पड़े। लेकिन फिर हमने मील सेक्टर बना दिया, हमने टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर दिया और टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करने के लिए इसके अंदर काफ़ी पैसा लगता है और फिर हमने बल्क के अंदर चीज़ों को बनाने लग गए। तो इस तरीके से हमने इसका जीता जाता एग्जांपल देखा, ये कॉटन इंडस्ट्री का जीता जाता एग्जांपल है जो ट्रेडिशन बेस्ड एग्जांपलों में से आता है। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें तो कॉटन का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर के बहुत सारे देशों में है। कॉटन से जो भी कपड़ा बनाया जाता है, चाहे हमने हैंडलूम से बनाया, चाहे हमने पावर लूम से बनाया, चाहे हमने मिल सेक्टर से बनाया, उन सभी सेक्टर में अगर कॉटन को देखें तो कॉटन को आज की डेट में कॉम्पिटिट करना पड़ जाता है फाइबर मतलब दूसरे कपड़ों से। फैशनेबल कपड़े जो आज की डेट में सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं, वो क्लोथ्स जो है आज की डेट में अगर आप देखें तो वो क्लोथ्स आज की डेट में कहीं ना कहीं उनको कॉटन के कपड़ों से पूरी तरीके से फाइट करना पड़ जाता है, कॉम्पिटिशन करना पड़ जाता है। आप लोगों को कॉटन पहनने के लिए कहा जाए तो आप कॉटन बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे, पर आपको कूल जींस और फैशनेबल क्लोथ्स पहनने ज़्यादा पसंद होंगे जो दिखने में थोड़े से फैंसी आपको दिखाई दे, है ना। तो ये इतिहास है और यही है इस चैप्टर की कहानी और यही था इस चैप्टर के अंदर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, वी हैव फिनिश्ड दिस पार्ट और अब हम इतना ही इस वीडियो के अंदर करेंगे, आने वाले चैप्टर को हम जल्दी अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत, आज़ाद रहे गाज़ियाबाद रहे, हमारी वीडियोज़ देखते रहे और जल्दी और वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो।